बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त बिलाल और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स योर कैनेडियन इमिग्रेशन, विच इज़ ECA। ECA बेसिकली स्टैंड फॉर एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट दैट इज़ यूज बाई IRCC टू वेरीफाई दैट योर फॉरन डिग्री इज़ वैलिड एंड इज़ इक्वल टू अ कैनेडियन वन। और फ्रेंड्स, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि पहले हम आइल्स देंगे, आइल्स में बैंड आ गया तो फिर हम ECA करवाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आई वुड से गो फॉर ECA फर्स्ट एंड देन डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट द राइट बैंड इन आइल्स। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूँ तो मैंने पहले दो दफ़ा आइल्स दिया था एकेडेमिक, जिसमें मेरा फर्स्ट टाइम आया 6.5, सेकेंड टाइम आया 7। लेकिन मैंने प्रेपरेशन कोई नहीं की थी, लेकिन जब मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए डिसाइड कर लिया तो फिर मैंने आइल्स की सीरियसली प्रेपरेशन की और 40 आवर्स की इन टोटल मैंने प्रेपरेशन की होगी। तो मेरा आइल्स में CLB 9 फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है अपनी बेगम के साथ मिलके, जिनका दो मॉड्यूल में CLB 10 है। तो आप वो वीडियो भी देखें, इंशाल्लाह उसको फॉलो करके आप भी CLB 9 और 10 ले सकते हैं ईजीली। और आपने सबसे पहले ECA करवाना है, उसके बाद या फिर इन द मेन टाइम आपने आइल्स की तैयारी करनी है और साथ ही आइल्स भी दे देना है। और फ्रेंड्स, बेसिकली देर आर 5 डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच यू कैन गेट योर ECA एंड देर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट आर वट आउटकम यू कैन गेट एंड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। क्योंकि आपकी पर्थडे के साथ आप 5 पॉइंट्स मिस कर देते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो कि 20 वीक्स से ज़्यादा लेती हैं आपका ECA करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं WS की। WS का प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है, जो है सिर्फ 7 बिजनेस डेज। लेकिन अगर आपकी फाइनल डिग्री है मास्टर्स, जो कि आपने पाकिस्तान या इंडिया से की है, तो आपने अपनी इक्वलेंसी WES से नहीं करवानी, जो कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस कहलाती है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपको इक्वलेंसी देगी बैचलर्स, जो कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैंने इनका इक्वलेंसी टूल यूज़ किया है और इंडिया की डिटेल्स डाली, जिसकी बेस पे इक्वलेंसी आ रही है बैचलर्स, और आई थिंक सेम विल बी द केस विद पाकिस्तान। सेकेंडली, अगर आपने अपनी फाइनल डिग्री मास्टर्स या अबव मास्टर्स की है किसी इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आपको WS के थ्रू इजीली मास्टर्स की इक्वलेंसी मिल जाएगी। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर WS बिकॉज इट हैज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। और कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ WS का बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है और आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू WS को डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी से सील एनवलप में अपना ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री पैक करवा के खुद भी पोस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी फाइनल डिग्री फॉर एग्जांपल मास्टर्स इंडिया या पाकिस्तान से किया है, तो आई वुड से योर बेस्ट ऑप्शन इज़ ICAS, जो कि है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस IQAS। ये जी सबसे ज़्यादा लीनियंट है और आफ्टर WES सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम इन्हीं का है, बिटवीन 4 to 14 weeks। और अगर आप देखें इनकी रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें कैंडिडेट्स अपनी डिग्रीज खुद सील एनवलप में पैक करवा के इंस्टीट्यूट से खुद जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। और सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। पाकिस्तान का भी सेम यही केस है। आप अपनी डिग्रीज HEC से सील एनवलप में पैक करवा के खुद ही ICAS को सेंड कर सकते हैं और विद इन 4 to 14 weeks आपकी असेसमेंट वो कंप्लीट कर देंगे आफ्टर रिसीविंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक हो गया। और अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया से मास्टर्स डिग्री की है, तो आपको इंशाल्लाह ICAS से मास्टर्स की ही इक्वलेंसी मिलेगी, जबकि WS में ये केस नहीं है। WS आपको बैचलर्स इक्वलेंसी देगा। तो फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर ICAS, क्योंकि ICAS लीनियंट भी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से इनका प्रोसेसिंग टाइम भी कम है। और एक और बहुत यूज़फुल टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आई रिग्रेट के काश मुझे पहले पता होता तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जानी थी। कैनेडा आने से पहले आई वुड से कि आप अपना जो ग्रेड 12 है पाकिस्तान में, जिसको इंटरमीडिएट एजुकेशन कहते हैं,
वो भी जो है उसकी इक्वलेंसी करवा लें, क्योंकि यहाँ पर आके अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करेंगे या फॉर एग्जांपल लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह में, जैसा कि मेरे केस में मैंने पुलिस कांस्टेबल की जॉब अप्लाई की, तो मैंने अपना ईसीए लगा दिया जिसमें कि मेरी मास्टर्स डिग्री थी डेनमार्क से और मुझे इक्वलेंसी भी डेनमार्क कैनेडियन मास्टर्स की मिली थी। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें आपका हाई स्कूल की इक्वलेंसी मस्ट चाहिए, तो अब मुझे वो सारे प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ रहा है। तो आई वुड से कि हो सकता है आप लोगों भी कभी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें या शायद कोई पुलिस में ट्राई करें या आर्म फोर्सेस में, तो उसके लिए आपको अपने इंटरमीडिएट या ग्रेड 12 की एजुकेशन की इक्वलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप करवा लें तो बेहतर है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई काम की बातें, चलें अब भाई का एक छोटा सा राउंड लगा के आते हैं और देखते हैं कि मेरे घर के पास जो स्ट्रीम है वो फ्रीज़ हुई है कि नहीं हुई। आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले जब मैंने अपना आईफोन नया नया लिया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि शायद सर्दियों में ये फ्रीज़ हो जाए और सर्दियों में हम वापस आके चेक करेंगे, तो चलें चलते हैं। लेकिन 2 साल पहले आपको पता है नियाग्रा फॉल भी यहाँ पर फ्रीज़ हो गई थी, जहाँ से 1 सेकेंड में हज़ारों टन पानी नीचे गिरता है, तो वो तो एक छोटी सी स्ट्रीम है, वो तो डेफिनेटली फ्रीज हो जानी चाहिए। तो चले चलते हैं और चल के चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ और चेक करते हैं कि जी पानी फ्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने भी नहीं देखा और आपके साथ ही मैं भी देखने लगूँ, और पानी की आवाज़ तो नहीं आ रही बिल्कुल भी। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है कहीं से, से हवा गुजरने की आवाज़ आ रही है। ओह माय गॉड, ये पानी तो टोटली फ्रीज हुआ है। वाओ, ये जो दरमियान में आपको पास नजर आ रहा है ये वाटर था, वाटर स्ट्रीम थी। और ये जो आपको दरमियान में पाँव के निशान नजर आ रहे होंगे ये भी स्ट्रीम थी। ओह माय गॉड, ये तो टोटली फ्रोजन है। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। पानी के ऊपर जाके मैं देखने लगा हूँ, काम तो थोड़ा रिस्की है, देखते हैं। पाँव के निशान तो काफी नजर आ रहे हैं, लगते हैं लोग काफी चलते फिरते रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे मैं आया था अपना मोबाइल नया नया ले के। आई थिंक 1-2 महीने में ये शायद फ्रीज हो जाए, लेकिन कंफर्म मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पानी फ्लो में है तो शायद फ्रीज ना हो। लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद ये मैं आके चेक करूँगा, जनवरी या फरवरी में। शुड आई गो डाउन और नॉट? चलते हैं, इतने ज़्यादा पाँव के निशान है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो इतनी सॉलिड बर्फ बनी है कि उसके ऊपर तो गाड़ी भी आराम से चलेगी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज्यादा सॉलिड आइस की लेयर बनी है, बहुत ही हार्ड और थिक। इसके ऊपर तो चलना कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये भी मैं फ्रोजन स्ट्रीम के ऊपर चल रहा हूँ। वाह, ये जगह मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक है। क्या मज़े का सीन है यार। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो होगी और इतनी थिक आइस की लेयर बनी हुई यहाँ पे। अब
मेरे हाथों में हल्की हल्की सर्दी लगने लगी है। ये दरख्त स्प्रिंग में इनके ऊपर इतने पत्ते होते हैं, इतने ज़्यादा पत्ते होते हैं कि सनलाइट को टोटली ब्लॉक कर देते हैं, और वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होता है। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस का। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर वी आर नथिंग एंड वी नीड योर कंटिन्यूस सपोर्ट। और अभी मेरे शूज़ में थोड़ी थोड़ी स्नो चली गई और थोड़े थोड़े मेरे हाथ भी नम होना शुरू हो गए। तो इसके साथ ही आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।